हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पोहा की बहुत ही मज़ेदार और नई रेसिपी। शायद ही आपने इसको पहले कभी ट्राई किया हो। तो इसके लिए एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद एक कप पोहा को डाल देंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमें पोहे को अच्छे से सुनहरा कर लेना है। जब पोहा अच्छे से सुनहरा हो जाता है तो बहुत ही कुड़कुड़ा बन जाता है। और ये जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ इसके लिए हमें चाहिए होता है कुड़कुड़ा पोहा। तो ये जो रेसिपी है आप इसको पूरे महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में रख के बिना फ्रिज के। और आप चाहे तो इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। इवनिंग टाइम आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो पोहा जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको निकाल देते हैं। और साथ में एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे एक कप चीनी। यहाँ पे मैं एक कप पोहे के लिए एक कप चीनी का यूज कर रही हूँ। साथ में एक कप पानी डाल देंगे और इसको हम मिक्स करते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। जब चीनी मेल्ट हो जाए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर। और यहाँ पे मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने मखाना और काजू का यूज किए हैं। आप चाहे तो कोई भी अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और पकाएंगे। मैंने ड्राई फ्रूट्स को इसलिए डाले हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से शुगर सिरप के साथ पक सके। तो ये जो शुगर सिरप है इसको हम चिपचिपा होने तक पकाएंगे। ये जैसे चिपचिपा होता है इसमें हम जो भुने हुए पोहे थे सॉरी फ्राई किए हुए इसको हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको हम चलाते हुए पकाएंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह का ये दिखने लग जाएगा। आप गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम फ्लेम में रख देंगे। लो फ्लेम में नहीं रखना है, नहीं तो पोहा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम एक डो बनने तक पका लेंगे। तो पोहा जो है कुछ इस तरह का दिखने लग गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक केक टिन लिए है, इसके ऊपर बटर पेपर रख के थोड़ा सा तेल को ग्रीस कर ली है रिफाइंड ऑयल को। और ऊपर से हम इस पोहे के मिक्सचर को डाल देंगे। और डालने के बाद तुरंत ही हम इसको फैला देंगे इस तरह से स्क्वेयर में, नहीं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। इसको हम जैसे मिक्स करेंगे वैसे ये सेट हो जाता है। इसको हम 30 मिनट के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद हमें इसको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है रूम टेम्परेचर में। 30 मिनट बाद हम इसको हाथ से इस तरह के तोड़ेंगे। ये चाकू से नहीं करता, ये थोड़ा हार्ड होता है और खाने में बहुत ही क्रिस्पी होता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तैयार है हमारा पोहे का जो है मिठाई। इस मिठाई का नाम मैंने तो कोई रखा नहीं है, पर खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको कोई समझ आए तो आप रख दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।